लोगों को सफर करना, जब रोजी नहीं मिले तो हिजरत करना फर्ज है, रोजी की तलाश में दूसरे गांव को जा सकता है। तो वो दूसरे गांव को जाना पाया तो अब ये भाग को देखने वाला कौन भी नहीं, कोई रिश्तेदार भी नहीं, यार आशने भी नहीं, क्या करना। और ज्यादा सोचे क्या भी बात समझ में आई, ये बात समझ में आई कि हमारे गांव में एक बादल गुजार है, उनके पास हमारे काम को छोड़ दो चले, हमें ऐसा लग गया इंशाल्लाह ना इसकी निगेबानी करें। तो आदमी से जाको दरखास्त करे कि हमारी खान को ऐसा छोड़ कर जाती, हमें दूसरे कमाने हैं, तो मैं ज़रा उसका ख्याल कर रहा हूँ। देख तो वो आबिद वो इबादत गुजार साफ इनकार कराना ले लिया, नहीं देख सकता मेरी इबादत में खलल हो जाता है, देखिए गौर अदा को आएगी तो क्या मेरे से इबादत करने नहीं होता, तो मैं काम से नहीं छोड़ा। बहुत ज़्यादा दरखास्त करने के बाद में वो इबादत गुजार आदमी कबूल कर लिए कि भाई तुम्हारे भांगों में देख ले तो इसकी हिफाजत कर दूँ, लेकिन वो मेरे घर के सामने के कमरे में रहना, मेरे साथ में रहना है, वहीं पर खाली रोटी पहुँचा दल तो और उसका दरवाज़ा बंद कर दूँ, खाली उसने बंद दरवाजे से हिफाजत कर लिया, ठीक है मंजूर होगा, आया बयान क्या करे तो भांग चले गया रोजी कमाने। एक बार जरूर है शरीफ जरूर अल्लाह तो वो इबादत गुजार के यहाँ वो लड़की को छोड़ दल को चले गए। कुछ दिनों तक मामला ऐसा था कि वो इबादत गुजार आदमी रोज सुबह को जाते उसे कहता खाना वाना दरवाजे पर डाल दे तो पसंद, और वो लड़की उसे इस्तेमाल कर लेते। एक दिन में उनके दिमाग में एक बात है, हमें लाख इबादत कर लेंगे लेकिन हमारी इबादत से हटकाने वाले भी मौजूद रहते हैं हमारे साथ, हमें भाव हमारे सबके सबके साथ गुजरता है कि हमें अल्लाह वर घर पर अकाब बने तक ख्याल रखता है। सर आप जैसे ही सूर्य फातिहा शुरू करके मजिस्ट्रिक मार्केट डोनाल साहब फिर जब आ जाती जब इमाम साहब फिर अल्लाह अकबर कर दी तो सबके लिए मेरी कुत्ती का तो हमारे ख्याल करने वाला हमारे साथी थे सरकार वारी से पाक, सरकार वारी से पाक उसके बारे में भी बता दो, हमें उसके ऊपर लानत भेजने की जरूरत नहीं, हमें उसके ऊपर और जिंदा पढ़ने की भी जरूरत नहीं, अच्छा को तो सब अच्छे बना लिए, अच्छा को तो दोस्तान बनाना आसान है, बात तो जब बनती है कि जब उसे भी दोस्त बना ले। वारिस जब हमारे ख्याल को हटकने वाले को जब दोस्त बना लेती तब हमारा ईमान मजबूत है ना, आपको अब वो ईमान मजबूत होना तो मोहब्बत का होना जरूरी है। सरकार वाली से पाक की बात तो वो आबिद गुजार इबादत गुजार आदमी रोज को खाना रख को दरवाजे को आ जाते थे, एक रोज दिन में ख्याल आया नहीं खाना तो उसे रखता लगवा दू, उन्हें उठाती है कि नहीं कि मालूम नहीं, चलो उन्हें उठाए तो अलग देख इंतजार कर लीजिए, धेरी में खाना रखता को इंतजार कर ले वो खड़े थे। अब जैसे ही उन्हें दरवाज़ा खोल के वो खाना खाने दी उसका हुस्न जमाल वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि वो आगे का दिल उसके ऊपर सिर्फ एक झलक देखे और वो आगे का दिल उसके ऊपर, अब वो लड़की के करीब होना शुरू करे, कुछ बात करना शुरू करे, उसके घर के अंदर जाकर कितना यहाँ तक होगी उनकी कि उन लोगों ने मुँह काला करने को भी तैयार, अब मुँह काला होगा
बल्कि अंधता होगी। अब क्या करें, ये आदमी को ये इबादत गुजार को डर से पूरे गाँव वाले भरोसा करती मेरे ऊपर, ये कोई इसके भाई मेरे ऊपर भरोसा करता शुरू हो गई। अब ये हालत देखे तो क्या हाल हो, अब ये हालत देखे तो क्या हालत होना, मंजे जिंदा नहीं छोड़ते अगर वो इन्हों क्या करे, वो लड़की का छून कर, लड़की का खून कर डाले, एक जगह गला काटे और वो लड़की को भी दफना। उसके भाया कई दिनों के बाद दूसरे गांव से रोजी कमा ले, वो खुशी खुशी अपनी मां से मिलने के वास्ते जब ये आबिद के घर को आए, आबिद पूछे कि ये हमारी मां का आबिद ये इबादत गुजार आदमी रोना सोना शुरू करा दे कि तुम्हारी मां की मां क्या की होगा था, क्या की होगा, तुम्हें मर गई किस्सा खत्म होगा, उसका किस्सा खत्म होगा। अब जैसे ही भाया आंसू जो होकर जाने लगे तो रास्ते में एक बूढ़े की शक्ल में कोई एक और मिला, उन्हें मिलकर बोला ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उन्हें छोटा बोल रहा था, वो इबादत गुजार वो आगे छोटा है, उन्हें गलत बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा है, उन्हें गार्ड को है ना तेरी भान को ले ले, वो खबर खोद को दे दो उसके साथ क्या मामला, खबर पूरे गाँव वाले को जमा है या वो खबर खोद को दे गए तो जो आगे बोले तो बात करो। अब पूरे गाँव वाले मेरे को फैसला कर डाले कि वो आबिद को इबादत गुजार को फांसी की सजा, फांसी की सजा तय होगी। अब क्या करना, तय होगी फांसी की सजा, अब फांसी अंतरिक्ष में होने वाली है। भेज बदल तो कोई एक और आया इस आबिद के पास, एक अब तो तुम पूरी तरह से फंस गया, अब तुझे निकलने का कहीं भी रास्ता नहीं है, खाली एक रास्ता है, खाली एक रास्ता बचको है, अगर वो काम करे तो मैं तुझे फांसी से बचा। अब जो मरता क्या ना करता, मुझे क्या बोलिया, मुझे सब चाहता मंजूर है, क्या करना बोलो, मुझे फांसी की सजा से बचा। तो अपने खुदा को श्रद्धा करता था, आज तू मंजर श्रद्धा करता, मुझे श्रद्धा करता मैं तुझे बचा लेता, जान के लाले पड़े थे तो सुचा मारिया खुश होकर बोलिया, आज मेरा काम जो मैं तेरी इबादत जमाने से तू करने को था, मैं तेरे पीछे पड़ा था, आज तू मेरा दिन कर रहा था दुनिया क्या जाना रे, जैसे दिन तू मेरा नहीं हुआ था आज मेरा पूरा तो यहाँ सरकार वाले से साक्षी बात हमारी छोड़ी ये लाख इबादत की हमें कर रहे हो, उसके अंदर जब तक मोहब्बत नहीं रहती तब तक आपको आगे रहती, वो इबादत आदिल कबूल नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे हमारी इबादतों के अंदर मोहब्बत का होना जरूरी, जब तक मोहब्बत नहीं रहती कि हमारी सारी इबादत हमारा सारा इलम बेकार हो जाता, हमारा जीवन बहुत सरकार खुद जान
जिस वक्त में उम्मत खरीद रहे थे
उस वक्त में हम अपने आशिक करीब क्या वारिस वारिस जो अब मौजूद है वो आशिक का सरकार को सवाल है जो आने वाले आशिक का ही सरकार को उनका बेटे हैं सरकार एक होगा उसके आसपास में आने वाले कुछ वास और नसीहत करते हैं कुछ दिनों के बाद कुछ दिन गुजर जाते तो ये कहीं आया जैसे ही सरकार वाली सरकार का चेहरा देखा और कभी में गया और सरकार से बता फिर सरकार में जाकर मैं आपका आशीष आपका मिलित क्या वारिस क्या वारिस क्या वारिस अखवारिस क्या वारिस अखवारिस अख्तियार कर लिए तो इसकी क्या वजह है तो वो अपने खुद बोलता है कि मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ मुझे खाने खाना रखने ऐसी हालत हो गई थी मैं सबको हार को एक मस्जिद में आकर बैठ गया मुझे कुछ समझ के नहीं आ रहा मस्जिद में आकर बैठ गए तो ऐसे खुलते के रोटी के वास्ते क्या तो अचानक एक बुजुर्ग मेरे सामने आए वो बुजुर्ग आपको बोले याद रखी तू पढ़ लिया याद रखी तू पढ़ लिया करो और जैसे ही उन्होंने बोले मैं ये गीत शुरू करें उसके बाद मुझे कमी शुरू होगी इतना इंतजाम होगा कि मैं सफर करना चाह अब सफर कर लेगा तो जैसे ही सरकार को देखो तो ये वो बुजुर्ग की समस्या क्या हो जब हमारी आशिकी हमारी दादा हमारा जो इलम खुश हो रही